डेकोरेट द हाउस। तो आपको ये ट्राई करना है, गेट टुगेदर मतलब सब फैमिली के मेंबर्स एक साथ आओ और डिसाइड करो कि आपको आपके हाउस को कैसे डेकोरेट करना है। आस्क अडल्ट्स टू हेल्प विद दोस थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू योरसेल्फ। बड़ों से पूछना है कि हमारे हेल्प करो, जो आप नहीं कर सकते हो उसमें आप बड़ों की हेल्प ले सकते हो। व्हाट मटेरियल्स हैव यू यूज्ड फॉर द डेकोरेशन, आप क्या क्या यूज करते हो आपको देखना है। सो इन द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स गिवन बिलो पुट अक्रॉस अगेन दोस मटेरियल्स दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज फार एज पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई दे शुड नॉट बी यूज्ड। आपको नीचे मटेरियल्स की लिस्ट दी है, जो आप यूज कर रहे हो उसे राइट टिक करो और जो नहीं यूज कर रहे उसे क्रॉस टिक करो और क्यों नहीं यूज कर रहे हो आप देखो। सो फर्स्ट इज फ्लावर्स, यस हम फ्लावर्स यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज थर्माकोल, थर्माकोल यूज कर सकते हैं आप डेकोरेट करने के लिए, कर सकते हो लेकिन इसका यूज करना आपको अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए सेफ नहीं है। देन प्लास्टिक, नहीं प्लास्टिक भी आपको यूज नहीं करना है। देन पेपर, यस पेपर आप यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि पेपर इजिली डिस्पोजेबल होता है। देन रंगोली, यस रंगोली भी आप यूज कर सकते हो। देन केमिकल कलर्स, नो केमिकल कलर्स जो रंगोली में भरते हैं वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये छोटी लिस्ट थी। नाउ फेस्टिवल्स, अब फेस्टिवल्स देखो, व्हाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, हम त्योहार क्यों मनाते हैं स्टूडेंट्स, क्यों मनाते हैं हम त्योहार? इसलिए बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी परंपरा है जो बहुत पहले से चली आ रही है वो निभाने के लिए हम हमारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। हमारे जो कुछ रीति रिवाज है वो निभाने के लिए हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये एक रीजन है। और सेकंड रीजन ये है कि फेस्टिवल्स के वक्त हमारे जो फैमिली मेंबर्स है वो सब एक जगह जमा होते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये भी सेकंड रीजन हुआ कि हम फैमिली जो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। देन सेकंड, व्हाट आर आवर फेस्टिवल लिंक्ड विद, तो हमारे फेस्टिवल्स किससे किससे लिंक्ड है, जैसे कि दिवाली किससे लिंक्ड है, यस इट इज लिंक्ड विद दिया, दिया जलाते हैं, फिर आकाश कंदील हम जलाते हैं, फिर क्रैकर्स फोड़ते हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीजों से हमारा फेस्टिवल रिलेटेड है। जैसे कि उन्होंने पिक्चर में बई पोला बताया है, बराबर पोला जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो रिलेटेड होते हैं जो बैल होते हैं उनसे, क्यों? साल भर बहुत सारी मेहनत करते हैं फार्मर्स की है स्टूडेंट्स, तो ये साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन बई पोला के दिन क्या होता है, उन्हें एक दिन पूरी छुट्टी मिलती है जिस दिन वो फील्ड में काम नहीं करते, उन्हें सजाया जाता है, उन्हें डेकोरेट किया जाता है, फिर उनकी पूजा होती है और फार्मर जो है वो प्रे करता है गॉड के पास कि ये जो है इन्हें ऐसे ही सही सलामत रखे ताकि ये आगे हमारी हेल्प कर सके। समझ में आया था हम बई पोला क्यों सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेट, ओके नाउ पेज नंबर 100, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन द फैमिली इन द सेम वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हम हमारे फैमिली में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं लेकिन सेम वे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग रीजन में। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री, हमारे देश में खेती फार्मिंग ये है ये मेन ऑक्यूपेशन है। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इंप्रोवमेंट, तो हमारे जो फेस्टिवल्स है वो ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड कौन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से और इन्वायरमेंट से, जिसके मैंने अभी बई पोला एक्सप्लेन किया। सो ये होली इज द फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, होली क्यों मनाते हैं स्टूडेंट्स? होली मनाने का ये रीजन होता है कि इसका मतलब जो विंटर सीजन है वो खत्म हो चुका है। इन पंजाब बैसाखी सेलिब्रेटेड एट हार्वेस्ट टाइम, पंजाब में जब हार्वेस्टिंग होती तो बैसाखी मनाते हैं। हार्वेस्टिंग होती मतलब जो वो खेत में जो फार्मिंग के ग्रो होता है जो क्रॉप्स होते हैं ना वो जब निकालते हैं, जैसे गेहूं चावल चावल या फिर गेहूं, जब वो गेहूं निकालते हैं तभी फेस्टिवल मनाते हैं बैसाखी। इन महाराष्ट्र वी सेलिब्रेटेड बई पोला व्हेन द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स इज ओवर, बई पोला मैंने अभी बताया जब क्रॉप बीज बोते हैं उसके बाद बई पोला आता है। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन तमिलनाडु पोंगल इज सेलिब्रेटेड, केरल में क्या करते हैं सॉरी तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। व्हाई इन केरल दे सेलिब्रेट ओणम, जब क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं तब केरला में ओणम सेलिब्रेटेड होता है। दसरा दिवाली एंड गुड़ी पाड़वा आर सेलिब्रेटेड व्हेन द फार्म प्रोड्यूस इज रेडी, और दसरा दिवाली और गुड़ी पाड़वा कब सेलिब्रेट
पूरी तरह रेडी हो चुका होता है। सो पर्व, फिर बुद्ध पूर्णिमा, रमजान ईद, क्रिसमस और पद्धति, ये हमारे मेन फेस्टिवल्स। देखो अभी हमने क्या रीड किया यहाँ पे, एक ही टाइम पर अलग अलग रीजन में या फिर एक ही रीजन है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, लेकिन फेस्टिवल्स के अलग अलग नेम्स है। जैसे कि देखो सुनो, तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट होता है जब क्रॉप्स हार्वेस्ट होते हैं, हमारे यहाँ पे बई पोला सेलिब्रेट होता है, पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं और केरला में ओनम सेलिब्रेट करते हैं। रीजन वही है सेलिब्रेट करने का कि जब आपके क्रॉप हार्वेस्ट होते हैं फार्मिंग में, लेकिन अलग अलग टाइम पे और अलग अलग नेम से वो फेस्टिवल्स को। सो ये व्हाट एवर द फेस्टिवल ऑल इंडिया स्टेट पार्ट इन दैम हैप्पी टाइम विश वन अनदर वे। कौन सा भी फेस्टिवल हो, कोई भी हो, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और सब एक साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। देखो अब हमारे आसपास के एरिया में देखो, ऐसे नहीं स्टूडेंट्स कि हम सिर्फ हमारे इसके लोग रहते हैं, दूसरे रीजन के भी लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें भी उनके घर पर इन्वाइट करते हैं। जैसे कि रमजान ईद बराबर, हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, रमजान ईद जो है, रमजान ईद के टाइम अगर हमारे कोई पहचान के हैं हमारे एरिया में, तो आपके घर पर क्या आता है, शिवकुरमा आता है। तो ऐसे नहीं होता है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सारे जो फेस्टिवल से वो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर अवर नेशनल फेस्टिवल्स। ये दो फेस्टिवल्स ऐसे हैं, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है। ऑल सिटीजन सेलिब्रेट, पूरे सिटीजन इसे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947, हमें इंडिया को फ्रीडम कब मिला स्टूडेंट्स, 15 अगस्त 1947। सो मींस दैट द डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमें आजादी मिली वो इंडिपेंडेंस डे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। और जो भारत का संविधान है स्टूडेंट्स, वो कब लागू, कब इफेक्ट हुआ, 26 जनवरी 1950। तो इसी की वजह से हम जो है इसे रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। सो फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर, फेस्टिवल जो है स्टूडेंट्स, ये लोगों को एक साथ जोड़ता है, एक साथ लाता है। द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस ग्रो, एक साथ रहने की यूनिटी की फीलिंग्स इससे बढ़ती है। फेस्टिवल्स इंक्लूड सॉन्ग्स, डांस, रंगोली, गेम, कॉम्पिटिशन एंड रेसेस। तो फेस्टिवल्स क्या, फेस्टिवल्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, गाने, नाचना, फिर रंगोली बनाते हैं, कोई गेम्स खेलता है, कोई कॉम्पिटिशन खेलता है या फिर कोई रेसेस खेलते हैं। आप अगर देखोगे नेट पर भी सर्च करोगे तो केरला में एक फेस्टिवल होता है स्टूडेंट, जिसमें बोट्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी बोट्स होती है और बहुत सारे लोग होते हैं उस पर जो उस बोट्स को चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनमें रेस लगाते हैं, वो बोट्स की रेस होती है स्टूडेंट्स। दिस गिव्स अस जॉय बाय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, वी मस्ट टेक केयर नॉट टू हार्म द एनवायरनमेंट, स्मॉल चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल सफर इफ म्यूजिक इज प्लेड टू लाउड नॉइज कॉज नॉइज पोल्यूशन। तो फेस्टिवल क्या लगता है, खुशी लाता है, लेकिन हम जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमें हमारे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सपोज आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, तो इतनी तेजी से आप म्यूजिक नहीं बजाना ताकि छोटे बच्चों की या फिर जो भी एल्डर, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको तकलीफ हो सके। देखो स्टूडेंट्स अभी बहुत सा दिवाली होती है, दिवाली पर बहुत सारी न्यूज आती है कि जो क्रैकर्स है वो फोड़ने नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है और हमारा एनवायरमेंट खराब होता है। तो हम जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, तब आपको क्या करना है, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेसन, ये हमारा लेसन खत्म हो चुका है। नीचे क्या है देखते हैं, डू यू नो इंडिया हैज सेवरल आदिवासी ट्राइब्स, इंडिया में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं स्टूडेंट्स। द वाली ट्राइब्स इन थाने डिस्ट्रिक्ट, इन जून एट द बिगिनिंग ऑफ द
देयर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फैमिली ईट टुगेदर और सब फैमिली मेंबर भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद खुद खाते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मकर। मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर। जनवरी में मकर संक्रांति आती है। ऑन दिस डे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गिव ईच अदर तिलगुड सिसम एंड जलेबी। और इस दिन क्या होता है रिलेटिव्स एक दूसरे को तिलगुड देते हैं जो कि तिल और गुड। तिल मतलब सीसम सीड्स, गुड मतलब जैगरी। सो सीसम इज एन इम्पोर्टेंट विंटर क्रॉप। सीसम जो है ये इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है विंटर का और सीसम इज अ गुड फॉर विंटर एज इट हेल्प्स टू कीप अस कूल। और जो गुड है ये गर्म होता है जो विंटर में हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी वार्म रखने के लिए, तो इसीलिए ये फेस्टिवल मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट फेस्टिवल्स। ओके हमारा लेसन खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स। हम इस लेसन में क्या क्या सीखा है एक बार देख लेंगे। सो व्हाट वी हैव